गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज अपने वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर आल्सो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये हमने स्टोरी ऑफ पालमपुर में पढ़ा था, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था लैंड, लेबर, फिजिकल दैट इज़ फिक्स्ड एंड कैप एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स रॉ मटेरियल एंड मनी आर द वर्किंग कैपिटल। एंड फिक्स्ड कैपिटल दोज एसेट्स विच कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। ओके, आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल लाइक मशीनरी लैंड वी कैन से, एंड ऑल्सो द ह्यूमन कैपिटल। ओके, ह्यूमन बींग ऑल्सो एज अ कैपिटल वी हैव स्टडीड। नाउ वी विल स्टडी एज अ पीपल एज रिसोर्सेज, किस तरीके से पीपल रिसोर्सेज है, है ना। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर इकोनॉमी, पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर इकोनॉमी रेदर दैन द लायबिलिटी। जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एज एन एसेट्स, ये जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट्स है, मीन्स प्रोडक्टिव है, है ना। और वो हमारे लिए एसेट्स का काम करती है, प्रोडक्टिव है वो हमारे लिए। फॉर इकोनॉमी रेदर दैन द लायबिलिटी, और वो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, मीन्स बोझ नहीं है, है ना। जो हमारी पॉपुलेशन है हमारे, वो कहता है कि एज अ, वो हमारे लिए एसेट्स का काम करती है ना कि लायबिलिटी। एसेट्स मीन्स प्रोडक्टिविटी, है ना, जो हमारे काम आए बहुत ज़्यादा, दैट इज़ आवर प्रोडक्टिविटी, आपके फ़ायदे के लिए हो। और लायबिलिटी मीन्स बोझ, है ना। तो फॉर द इकोनॉमी रेदर दैन द लायबिलिटी, पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट्स का काम करती है ना कि लायबिलिटी का। लायबिलिटी हमारे लिए, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन दे देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा, देखिए, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? पॉपुलेशन, हमने अब पढ़ा अभी, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल जो है, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो ह्यूमन कैपिटल कब बनेगी? जब हम उसमें कुछ इन्वेस्ट करेंगे। क्या इन्वेस्ट करना है हम लोग को? दैट मीन्स वी हैव टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। यदि हम उतने सारे पॉपुलेशंस को एक अच्छा सा एजुकेशन देंगे, एक अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे या उनका प्रॉपर मेडिकल केयर करेंगे, तो वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, वो ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम। जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, एक आदमी के अंदर में क्या है, वो चीज़, वो स्किल है और प्रोडक्टिव नॉलेज है उनके अंदर। उनके अंदर की स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज होती है। पीपल एज रिसोर्सेज इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड लायबिलिटी। पीपल एज रिसोर्सेज क्या है, क्या बोल रहा है, इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल, जो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। पीपल एज रिसोर्सेज कैसे हुआ, जिस कंट्री में लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो उनमें उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ है, है ना, उसके बल पर वो काम कर रहे हैं और वो उनके लिए एक पीपल, वो एक रिसोर्सेज हो गए। लुकिंग एट द पॉपुलेशंस फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशंस ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब यदि हम पॉपुलेशंस को देखें फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, कि वो हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स का काम करती है। पीपल जो है, पॉपुलेशन जो है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है और कंट्रीब्यू, वो हमें क्या बढ़ाता है, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ाता है। ठीक है, एंड लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो, दूसरे रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हमने पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे,
लेकिन ह्यूमन मीट भी हमारे लिए जो ह्यूमन है वो भी एक रिसोर्स का काम करता है, वो भी एक ह्यूमन भी एक रिसोर्स है ना। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इट इज़ ओवर ओवरलुक व्हेन वी लुक ऑल द नेगेटिव साइड्स। हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और यदि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये हमारे लिए बहुत बेकार है, मीन्स इससे हमारे बोलना चाहिए तरक्की नहीं हो रही है ना, ना वी आर नॉट, हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बोले, लेकिन हम उसका हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स क्यों देखते हैं। यदि हम उसके पॉजिटिव वे को देखें, यदि 120 करोड़ पीपल हैं, यदि उनको सही तरीके से उनमें इन्वेस्ट किया जाए, मीन्स उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए किसी क्षेत्र में किसी एरिया में, या फिर उनको एक अच्छे से मेडिकल प्रॉपर केयर भी मिला साथ में, यदि वो बीमार है तो उनको अच्छी प्रॉपर मेडिकल केयर भी मिले, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करेंगे। वो जब उनमें हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तो वो जब रिटर्न में हमको बहुत कुछ मिलेगा, है ना। तो उसको हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो हमारे लिए नेगेटिव का काम करते हैं, वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑल्सो। दैट इज़ ओवर, वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद द फूड। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि इतने सारे लोगों को खाना देना है, पॉपुलेशन है, एजुकेशन देना है, एंड एस इज द हेल्थ, और इतनी सारी पॉपुलेशन को हम क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम सिर्फ नेगेटिव साइड्स को ही देखते रहते हैं। When the existing human resources is further developed by becoming more and educated and healthy, we call it at a human capital formation. देखिए अब जब इन्हीं को, इतनी बड़ी populations को ही हम यदि बोलें कि उनको हम अच्छी चीज़ें दें, उनको educate कर दें, उनको वो healthy रहें, है ना, तो वो हमारे लिए क्या काम करेंगे, human capital formation। आखिर देखो आज आप बच्चे हैं, ठीक है, आप के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, आपको पढ़ाया जाए, अच्छी मेडिकल केयर दिया जाए, आपको ट्रेनिंग प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दी जाए, है ना, जो जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं उस फील्ड की अच्छी सी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिल जाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आज आप पे इन्वेस्ट हो रहा है, आज हम पैसे खर्च हो रहे हैं आप पे, लेकिन कल आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना, उससे ज़्यादा कैपिटल आप लेकर आएंगे, तो वी कॉल इट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। और इससे क्या है, हमारी जो कंट्री है उसका भी पावर बढ़ेगा, जस्ट लाइक द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू, देखो इन्वेस्टमेंट करना किस में, ह्यूमन कैपिटल में, कैसे, थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर, इल्स अ रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। आप किसी फिजिकल कैपिटल में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही यदि हम ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमको रिटर्न देगा, ठीक है। जैसे कि हम एक मशीन खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, तो मशीन से हम फर्दर बहुत सारी प्रोडक्ट, मशीन से हम फिर से क्या चीज़ें बनाते हैं, है ना, तो चीज़ें बनाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक मशीन लेकर आए और उससे हम प्रोडक्शन बार बार कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम लेकर आ रहा है। और जैसे एक बार हमने बस खरीद ली, मान लीजिए बस खरीद ली एक बार, वो मेरा फिक्स कैपिटल हो गया। अब मैं फिजिकल में फिक्स कैपिटल है, बस खरीद ली, उसको जब यदि चलाएंगे, जब उसको रोड में चलाया जाएगा तो जो ड्राइवर है, कंडक्टर रहेगा, वो बस को जो चलाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मुझे इनकम आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो उसी तरीके से यदि जिस तरीके से बोला इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल इल्स अ रिटर्न जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट, उसी तरीके से वो रिटर्न आता है जिस तरीके से आप जब इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल कैपिटल में। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। अब इसको देखिए, ये हमको देखने को मिलता है कैसे डायरेक्टली सीन, जब वो हाई, जो हाई एजुकेटेड पर्सन होगा, जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो क्या होगा, इज़ द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, वो हाई इनकम अर्न करेगा, है ना।
because of higher productivity of more educated or better trained person as well as a higher productivity of healthier people. और ये लोग क्या है जो healthier रहेंगे, obviously जो बहुत educated रहेंगे और जो better trained person रहेंगे वो क्या है, वो higher income earn करेंगे. देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज़ लाइक लैंड और लेबर, इट इज़ मोर देन दैट, व्हाट इज़ द ह्यूमन कैपिटल, इजंट इट लाइक रुपी पैसा और डॉलर, इट इज़ मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा है, बता रहा है ना. तो हम भी समझा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है. Now we will see here. Not only do the more educated and the healthier people gain through the higher income, society also gains the other indirect ways, because the advantage of more educated and healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. देखिए क्या बोल रहा है कि जो नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड ऑन द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन द अदर इनडायरेक्ट वेज. हम लोग को सिर्फ जो एजुकेटेड, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो हेल्थियर पीपल है, वही गेन नहीं करते हैं, बल्कि जो सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अनदर अदर इनडायरेक्ट वेज, सोसाइटी भी गेन करती. कैसे कैसे गेन करती है सोसाइटी, बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर, जो मोर एडवांटेज कैसे मिलता है, जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो हेल्थियर पॉपुलेशन है, वो उसको स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड टू दोज हु हम देमसेल्फ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हेल्थियर नहीं हैं, उनको भी वो उन चीज़ों को, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या जो हेल्थियर हैं, वो अपनी चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, है ना. Who themselves were not directly educated or given health care, जिनको एजुकेशन नहीं मिला, जिनको हेल्थ केयर नहीं मिला, उनको भी ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हेल्थियर है, वो उनको क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ये चीज़ें को बताते हैं, बिकॉज एडवांटेज ऑफ द मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड, वो इसकी जानकारी उन तक भी पहुंचाते हैं जिनको ये चीज़ ऑफ़र नहीं मिली या जिन्होंने एजुकेशन नहीं प्राप्त किया, जो हेल्थियर नहीं है, उन तक भी. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज लाइक क्लाइंट फिजिकल. और कहता है जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है कि बहुत सुपीरियर है किससे, अदर रिसोर्सेज से भी, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक द यूज़ ऑफ, देखिए जो रिसोर्सेज हैं, आप मान लीजिए आपके आपको पता है कि यहाँ पर गोल्ड ओर है ना, कि ओर है यहाँ पर, इस यहाँ माइंस में, इस माइंस के अंदर हम यहाँ गड्ढा खोदेंगे तो यहाँ पे हमको गोल्ड ओर मिलेगा, मतलब. लेकिन यदि आपको पता है कि वहाँ पे है, लेकिन यदि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास नॉलेजेबल पर्सन ही नहीं है कि उस ओर से हम किस तरीके से गोल्ड को निकालें, है ना, तो किसी काम का नहीं रहेगा वो. तो इसीलिए क्या है, देखिए एक नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है हमें. तो इसीलिए कह रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो मोर सुपीरियर देन द अदर फिजिकल कैपिटल्स, और फिजिकल कैपिटल से ये जो ह्यूमन कैपिटल है मोर सुपीरियर है. आपके पास लैंड है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक द यूज़ ऑफ लैंड, लैंड आपके पास है, लेकिन उस लैंड को कैसे यूज़ करना है ये तो ह्यूमन बींग ही सोचेगा. आप कैपिटल लैंड एंड द कैपिटल कैन नॉट बिकम द यूज़फुल, जो क्या आपके पास पैसे बहुत हैं लेकिन आपको उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे उसको. तो दैट्स वाई वी नीड अ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, हम लोग को ह्यूमन की ज़रूरत है वहाँ पर. फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर अ लायबिलिटी रादर देन एन एसेट. बहुत 10 सालों में आप बोल सकते हैं कि जो इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो उसको क्या समझा जाता है, एक लायबिलिटी समझा जाता है, ना कि एसेट समझा जाता है.
बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लायबिलिटी. लेकिन वही बोला गया कि जो लार्ज पॉपुलेशन हो वो लायबिलिटी नहीं हो सकती है ना. इट कैन बी टर्न, उसको हम एक प्रोडक्टिव एसेट्स के रूप में बदल सकते हैं यदि हम कहाँ करें इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ ह्यूमन कैपिटल, इन ह्यूमन कैपिटल में यदि हम इन्वेस्टमेंट करें कि मतलब फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज हम उनको एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, प्रॉपर हेल्थ केयर दें, और जो लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दें, एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग दें वर्कर्स की, इन यूज़ ऑफ द और उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किया जाता है ये जानकारी दें, और जो साइंटिफिक रिसर्च है और सो ये सब की जानकारी यदि हम देते हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली जो हम कह रहे हैं कि जो लायबिलिटी है ये जो पॉपुलेशन हमारी जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी नहीं, वो हमारे लिए एक एसेट्स का काम करेगी. देखो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, यदि डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास तो हायर इनकम होगी, एडवांटेज टू द सोसाइटी होगा, सुपीरियर टू अदर्स, और ये सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज होगा. क्लियर? हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज इज सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज, कोई पूछे हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, कैसे सुपीरियर है ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज के पास नॉलेज ऑफ स्किल है, उनके पास नॉलेज ऑफ स्किल है जो दूसरे रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है. क्लियर? ह्यूमन रिसोर्सेज सुपीरियर क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज सुपीरियर इसलिए है क्योंकि उसके पास नॉलेज ऑफ स्किल है, उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास स्किल है, और जिससे वो क्या करता है दूसरे रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, डेवलप करता है. क्लियर? अब आपकी बुक में एक दो स्टोरी दी हुई है, एक है साकाल और एक है विलास की स्टोरी दी हुई है, जिसमें हम पढ़ते हैं साकाल की स्टोरी पहले, फिर हम उस दोनों स्टोरी को कंपेयर करेंगे. देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड साकाल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर, दोनों एक ही गांव में रहते थे. साकाल वॉज 12 years old बॉय, साकाल क्या था 12 साल का लड़का था. हर मदर शीला लुक्ड, उसकी मम्मी जो शीला थी वो हाउस होल्ड का डोमेस्टिक कोर्स का काम करती थी, और उनके पापा जो थे बूटा चौधरी वो एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे. साकाल जो था अपनी मम्मी की हेल्प करता था घर में काम करने में, और वो क्या करता था ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंग ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, वो अपने दोनों भाई बहनों का ख्याल भी रखता था साकाल. His uncle Shyam had passed matriculation examination but was sitting idle in the house as an adept. उसके अंकल थे वो भी पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने कोई जॉब नहीं था इसलिए वो घर पे खाली बैठे थे. बूटा एंड शीला वेयर द ईगर टू टीच, और जो उसके मम्मी पापा थे वो साकाल को पढ़ाना चाहते थे, और दे उन्होंने उसको फोर्स किया कि तुम स्कूल जो गांव का स्कूल है उसमें ज्वाइन करो, और वो पढ़ना लगा. उसने अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर ली. उसके पापा ने हर फादर परसुएड हिम टू कंटिन्यू, उसके पापा ने उसे कहा कि तुम अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करो, और ही रेज्ड अ लोन फॉर, और उसने उसके पापा ने लोन लिया ताकि वो उसको एक वोकेशनल कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिला सके कंप्यूटर में. तो साकाल इज़ अ मेरिटिस्ट एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिन, और वो बहुत अच्छा पढ़ाई में था साकाल जो था, और बहुत इंटरेस्ट भी लेता था पढ़ाई में. विद अ ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने बहुत अच्छे से वो वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स था बहुत खुशी से कंप्लीट किया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट, और उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई सोचो है ना, और उसने एक सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया जो सॉफ्टवेयर हिम इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म, और जो सॉफ्टवेयर साकाल ने डिज़ाइन किया उससे क्या हुआ उस फर्म को बहुत बेनिफिट हुआ. हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम विद द प्रमोशन, उसके बॉस ने उसको उसके काम को सराहा और उसको इवन क्या दिया प्रमोशन भी दिया. ठीक है, ये थी साकाल की कहानी. अब हम थोड़ा सा विलास की कहानी देख लेते हैं. विलास वॉज एन 11 year old, ये 11 years old लड़का था. कहाँ रहता था? जिस विलेज में साकाल रहता था उसी गांव में रहता था. विलास फादर्स महेश वॉज फिशरमैन, विलास के पापा क्या थे फिशरमैन थे.
और लेकिन उसके पापा वाज ओनली 2 ईयर, जब वो 2 साल का था तब उसके पापा चल नहीं रहे थे, गुजर गए थे। हिज मदर गीता शोल्ड फीस टू अर्न मनी, उसकी मम्मी जो थी गीता राम था उसकी मम्मी का, और वो मछली बेचकर पैसे अर्न करती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पाउंड एंड सोल्ड इन नियर बाई मंडी, और उसकी मम्मी जो लैंड ओनर्स थे उनके पाउंड से मछली लेकर आती थी और उसको मंडी में जाकर बेचती थी। उसको मुश्किल से 20 to 30 rupees मिलता था फिश बेचने से। बिलास बिकम अ पेशेंट ऑफ द आर्थराइटिस, जो बीमार हो गया बिलास जो था वो बीमार भी हो गया। सोचो बिलास बिकम हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू, उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाती थी, पैसे ही नहीं थे। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल इधर, वो स्कूल भी नहीं जाता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी और वो स्कूल भी नहीं जाता था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, वो घर में अपनी मम्मी की खाने बनाने में मदद करता था और अपने भाई की भी देखभाल करता था, छोटा भाई मोहन जो था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, उसकी मम्मी बीमार हो गई। देयर वॉज नो वन टू टेक आफ्टर लुक आफ्टर, उसकी मम्मी को देखने के लिए कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, और घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था जो उनके सपोर्ट करे। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, अब विलास को भी क्योंकि उसकी मम्मी बीमार हो गई, अब विलास को भी वही काम करना पड़ा, जाकर गाँव में उसी गाँव में मछली बेचना पड़ता था उसको भी। He like his mother earned only mere income. अब वो उन लोग का वही छोटी सी थोड़ी सी इनकम उनके आती थी, है ना। आपने नोटिस किया कि ये दोनों फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस कैसे है, कैसे डिफरेंस है? देखो एक वो भी ह्यूमन था, ये भी ह्यूमन था, लेकिन दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस था ना काफ़ी। क्या देखा हमने, सकाल जो था वॉज लिविंग विद हिज पेरेंट्स वाइल विलास लॉस्ट हिज फादर, ठीक है, ये हमने देखा। सकाल एक एक्टिव चाइल्ड था एंड ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज स्टडीज, गुड गाइडेंस मिला उसके पेरेंट्स से उसको। ऑन द अदर हैंड विलास कुड नॉट कम्प्लीट हिज स्टडी और ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड एंड ही वॉज इनएक्टिव। ओके, सकाल बिलोंग्स टू रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हु वैल्यूड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज। विलास सकाल जो था ऐसे परिवार में रहता था जिनको पढ़ाई की वैल्यू पता थी, है ना, जिनको पढ़ाई की जो वैल्यू है वो पता थी। और लेकिन विलास कुड नॉट स्टडी बिकॉज उसकी मदर ने उसको सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं दी, ये हमने देखा। इस पिक्चर में भी देखिए किस तरीके से ये आपको साकाल दिख रहा है और यहाँ पर ये आपको साकाल है और ये विलास देखिए मछली बेच रहा, और साकाल क्या ही मस्त टिप टॉप पहन के कपड़ा पहन के आया हुआ है ना, क्योंकि वो फॉर्म में काम करता है, उसकी इनकम अच्छी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था देखिए दोनों में, है ना। तो यदि ह्यूमन को यदि हम अच्छी सी कैप देखिए, फॉर्म को भी फ़ायदा हुआ सकाल ने, एक जब उसके उनको कंप्यूटर का नॉलेज दिया तो एक उसने सॉफ्टवेयर बना लिया, सॉफ्टवेयर से क्या हुआ कि कंपनी को फ़ायदा हुआ, है ना, तो बहुत इनकम आई कि नहीं, ये यही बोल रहा है कि यदि हम ह्यूमन को बहुत अच्छे से, यदि जो प्लस पॉपुलेशन है उसको अच्छे से हम प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन और हेल्थ केयर दें तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट्स हो जाता है, ना कि लाइबिलिटी। ओके, इन टू केसेस ये देखिए, इन टू केसेस इन द टू केसेस स्टडीज वी सॉ सकाल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। सकाल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था, किसको, सकाल को, क्यों, क्योंकि वह हेल्दी था। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, ही लैक द मीन्स ऑफ टू विजिट, उसको हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। सकाल रिक्वायर्ड अ डिग्री इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और सकाल के पास एक कंप्यूटर की डिग्री थी।
सकल को एक प्राइवेट फॉर्म में जॉब मिली, लेकिन विलास को क्या करना पड़ा, जो उसके घर में उसकी मम्मी जो काम करती थी वही काम उसको भी करना पड़ा। ही अर्न, उसको बहुत कम कमाई होती थी इन लाइक हिज मदर, जैसे उसकी मम्मी थोड़ा बहुत कमाती थी वैसे ही वो भी कमाता था। ये थी दोनों डिफरेंस। इन केस ऑफ सकाल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब सकाल के केस में क्या हुआ, देखो कि उसको एजुकेशन मिला तो जो लेबर था उसमें क्या हुई, एक क्वालिटी डेवलप हुई। दिस एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, इससे क्या हुआ, टोटल जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बढ़ी, है ना। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियसली जो हमारा इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ करेगा, है ना। अब सकाल को हमने ट्रेनिंग दी तो उसने सॉफ्टवेयर तैयार किया, सॉफ्टवेयर तैयार किया तो उसको एक अच्छी नौकरी मिली। अब जब उसने वहाँ सॉफ्टवेयर तैयार किया तो उसके जो बॉस थे, है ना, जो उनका फर्म था, उस फर्म को उस सॉफ्टवेयर से बहुत फ़ायदा हुआ। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी हुआ तो इनकम भी, इकोनॉमी भी हमारी बढ़ी। दिस इंटर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू अ सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। अब देखिए ये क्या है, दिस इंटर्न टर्न पेज एन, इससे क्या होता है, अच्छी सैलरी मिलती है इंडिविजुअल को, सैलरी इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, है ना। तो सकाल को मिली ना उसको एक, उसको प्रमोशन भी मिली वहाँ पे। लेकिन विलास के केस में क्या हुआ, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, यहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं था, हेल्थ केयर नहीं था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड हिज लाइफ, और सिर्फ उसने अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड किया भाई, सेलिंग फिश, मछली बेच कर ही वो अपने जीवन को और अपनी मम्मी, जैसे उसकी मम्मी काम करती थी वही काम वो भी कर रहा था। हैंसफोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर, जैसे अनस्किल लेबर को, क्योंकि उसको तो कोई स्किल का काम था ही नहीं, उसको आता ही नहीं था, तो वो बहुत ही कम इनकम या सैलरी पाता था। जो उसकी मम्मी जैसे छोटे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वैसे ही उसको भी मिलते थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, अब यही मेन है कि इन्वेस्टमेंट यदि हम ह्यूमन रिसोर्सेज में करते हैं किसके थ्रू, वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, ये हमको हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर देता है। जैसे सकाल के केस में उसको उसके मम्मी पापा ने उस समय पढ़ाया, है ना, उसको प्रॉपर हेल्थ केयर दिया, उसको एजुकेशन दी अच्छी, प्रॉपर ट्रेनिंग दिला दी कंप्यूटर की, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाई कंप्यूटर में, तो देखो वो अपने परिवार के लिए भी उसने बहुत कुछ लेकर आया रिटर्न फ्यूचर में, और अपने कंपनी को भी उसने बहुत फ़ायदा दिलाया। दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन पीपल इज द सेम एज अ इन्वेस्टमेंट इन द लैंड कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट जो हम लैंड और कैपिटल में करते हैं सेम ये इन्वेस्टमेंट ह्यूमन ऑन द पीपल भी है, ठीक है। आज हम पीपल में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कल उसका रिटर्न उसको अच्छा मिलेगा, है ना। अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड गैदर ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। देखो एक चाइल्ड में जैसे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उसमें भी यदि हम इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स उसको अच्छी से एजुकेशन दें, उसका हेल्थ का ध्यान रखें, तो वो भी क्या करेगा, इन फ्यूचर में हाई रिटर्न देगा। और इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में देगा, वो ऑब्वियसली है कि आज वो यदि बहुत अच्छा कमाता है, आज उसको हम पढ़ाएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तो वो कल को बहुत अच्छी जगह फॉर्म में काम करेगा, बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएगा, तो उसकी हायर अर्निंग्स होगी और वो जो सोसाइटी को भी बहुत अच्छी चीज़ें दे पाएगा, है ना। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, जो एजुकेटेड पेरेंट्स रहते हैं वो अपने बच्चों की को पढ़ाने में, एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंट, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन का, है ना। दे ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, they accordingly look after their children's needs for education at school and good health.
देखिए ये जो जो एजुकेटेड पेरेंट्स रहते हैं उनको क्या होता है इसकी इम्पोर्टेंस पता होती है कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। एक अच्छे न्यूट्रिशन, एक अच्छा डाइट हम बच्चे को देंगे, उनकी हाइजीनिक, उनको हाइजीन रखेंगे, उनको प्रॉपर केयर देंगे, तो कितना उसके फ़ायदे वो जानते हैं, इसलिए अपने बच्चों का वो इसी तरीके से ख्याल रखते हैं। या फिर एजुकेशन एट स्कूल एंड अ गुड हेल्थ। ओके, अब एक यहाँ पे दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, इस चीज़ को देखिए। एक यहाँ है, ये देखिए, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। ठीक है, अब वर्चुअस साइकिल क्या होता है? वर्चुअस साइकिल में क्या होता है, वर्चुअस साइकिल इज थस क्रिएटेड इन केस। अब जब देखिए एक एक बच्चा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये बच्चा है, ठीक है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, ये क्या है, बहुत पढ़ा लिखा है। जब इसकी शादी होगी, इसकी फैमिली होगी, इसके बच्चे होंगे, तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, ठीक है, उसको अच्छी एजुकेशन देगा। फिर जब इनके बच्चे होंगे तो ये इसको भी अच्छी एजुकेशन देगा। इस तरीके से ये सब साइकिल जो है बढ़ते जाएगा, ये अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, ये अपने बच्चों को, ये अपने बच्चों को, इस तरीके से क्या ये पूरा साइकिल बढ़ते जाएगा, है ना। यदि घर में एक परिवार एक चेंज पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली वो आगे 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 इसको पढ़ाते जाएगा, सब लोगों को, अपनी आने वाली आगे की पीढ़ियों को भी पढ़ाएगा, तो वो क्या हो गया, एक वर्चुअस साइकिल हो गया, ठीक है। और विशियस साइकिल मीन्स में क्या होता है, इसमें मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स। ये क्या होता है, इसमें कभी कभी जैसे क्या होता है कि अब विलास के केस में था, जैसे कि उसकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस क्या है वो नहीं पता था कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उन्होंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया, तो उनके लिए क्या हुआ, उन्होंने फिर विलास को नहीं पढ़ाया। अब मान लो विलास की भी शादी होती है, वो भी उतना क्योंकि अर्न ही नहीं करता, इतना कमाता ही नहीं है वो कि आगे अपने बच्चों को पढ़ा पाए, फिर उसके बच्चे होंगे, मे बी ये साइकिल इस तरीके से चलता जाए, सब कोई तो इसी को कहते हैं हम विशियस साइकिल। ओके, लेकिन अरे आप कैसे बोल रहे हो, आप तो बोल सकते हो कि मैम आप तो गलत बोल रहे हो, कि मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। बिल्कुल, ये यहीं पे ब्रेक होगा। यदि मान लीजिए कि यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है, यदि वो समझता है कि पढ़ाई लिखाई का महत्व को जानता है, तो ये साइकिल वहीं रुक जाएगा और फिर वो एजुकेशन वाला लाइन शुरू हो जाएगा कि लोग पढ़े लिखे आएंगे, है ना। तो विशियस साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज। ये वो साइकिल है, विशियस साइकिल मीन्स जो पेरेंट्स पढ़ी लिख जो अनएजुकेटेड एजुकेटेड हैं और वो अपने बच्चों को भी अनएजुकेटेड रखते हैं, उनको भी शिक्षा नहीं देते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं, यदि वो उस समय अपने बच्चों को पढ़ा दें तो फिर से वो साइकिल चेंज हो जाएगी, है ना। तो वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल, इसको याद रखेंगे ना। कंट्रीज लाइक, देखिए जो कंट्रीज है, जापान लाइक जापान यहाँ पे है ना, कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो जापान है, आज हम कहते हैं वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, है ना। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज में किया है। दे डू नॉट हैव एनी, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज। ये कंट्रीज आज बहुत डेवलप्ड भी है और रिच कंट्रीज हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। उनको नेचुरल रिसोर्सेज वो इम्पोर्ट करते हैं, उनको चाहिए तो उनके कंट्रीज में। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड, वो कैसे बन गए रिच और डेवलप्ड। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन द पीपल्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एंड उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में किया, लोगों को पढ़ाने में किया, उनको एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा। दिस पीपल हैव मेड इफ़िशियंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। और इन्होंने फिर उनके पास जो रिसोर्सेज है, लैंड और कैपिटल,
जब इन्होंने ह्यूमन को पढ़ाया, ह्यूमन इन्वेस्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, तो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट से ह्यूमन्स ने क्या किया, फिर लैंड और कैपिटल को बहुत अच्छा एफिशिएंटली यूज़ किया। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज, जो वहाँ की जो लोगों में एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की, आता था उनको यूज़ करना, इससे ये कंट्री क्या हुआ, बहुत रिच और डेवलप्ड हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाई मैन एंड वुमेन, ठीक है।